यहीं से ही ऑयल निकालना पड़ता है। बाइक जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्विसिंग हो गया, पीछे का पहिया, आगे का पहिया, एयर फिल्टर सब हमने अच्छे तरीके से कर दिया, वॉशिंग वगैरह भी। अब जो हम कैस्ट्रोल का ऑयल डालने वाले हैं, ये कैस्ट्रोल कितना है और कितना डलता है वो हम आपको बताते हैं। इसके अंदर देखिए 2.5 यानी कि 2.5 लीटर डाल रहे हैं, और इसका MRP जो है वो भी आपको दिखा देते हैं हम, यहाँ 1090 रुपये है, ठीक है ना, यानी कि 1100 रुपये लमसम का है। अब इसको हम डालते हैं, हमने ऑयल डाल दिया, अब सिंपली बाइक को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन से हो गया, और देखिए इसके अंदर क्या करना पड़ता है, जब भी आप सर्विसिंग करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑयल फिल्टर है, इसको चेंज करना है। मोबिल इसके अंदर 2.5 लीटर डलता है, और उसके बाद मोबिल इसका निकालने के लिए नीचे से 8 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये दोनों 8 नंबर का बोल्ट को खोलना पड़ेगा, तब जाकर ऑयल यहीं से निकलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ही यहीं से ही ऑयल निकालना पड़ता है। और एयर फिल्टर जो है गाइस इस साइड में है, ठीक है ना, यहाँ पर एयर फिल्टर है, यहाँ से आसानी से खोल के क्लीन कर सकते हैं। ओल्ड मॉडल बुलेट है, इसमें एयर फिल्टर जो है हमारा इस साइड में नहीं होता है, इस साइड में क्या है हमारा फ्यूज बॉक्स है। ओल्ड मॉडल का फिल्टर जो होता है यहाँ पर होता है, ठीक है ना, और BS6 में इस साइड में होता है। और इसके अंदर जब हम ऑयल डालते हैं तो इसमें दो जगह से डालना पड़ता है, यहाँ से भी ऑयल डालना पड़ता है, और उसके बाद प्लस साइड यानी कि इस साइड से भी ऑयल डालना पड़ता है। यानी कि दोनों बुलेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, 6 में क्या है एक ही साइड से हमने ऑयल डाल दिया, और BS4 में दोनों साइड से डलता है। तो बिल्कुल आसानी से आप ऑयल निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, अपने घर पर भी सर्विस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।